Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश हरम रखे अपने घरों में, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का दूसरा और तीसरा दिन शेयर करूँगी। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्लान था भाई उसकी फैमिली के साथ बाहर आउटिंग करने जाने का, तो बस बच्चों को मैंने फिर रेडी कर दिया था, शाम का टाइम था। और फिर यही रूटीन रही थी कि सुबह उठे हैं तो नाश्ता वगैरह किया बच्चों को, और बच्चों को बस रेडी किया तो बस तैयार हम लोग निकल रहे थे। मैंने कहा फिर बच्चों की जल्दी से वीडियो शूट कर लूँ, उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मम्मी ने फिर आज लड़ाई करके उससे वॉच ले ही ली थी। बस उसको ये था कि बस मुझे वॉच दे दो, और वॉच की उसने पहनी ही नहीं थी। उसको वॉच ये था कि बस मुझे पकड़ा दो हाथ में, मैंने पहननी नहीं है, बस मेरी हो वॉच। मैंने ली इसलिए नहीं थी कि मेरे माइंड में था कि अभी छोटा है तो बस इसलिए अभी मैंने ली ही नहीं, लेकिन बस पता चल गया अब कि बड़ा हो गया तो अब आगे से लिया करूँगी ज़रूर। ये बच्चे बस रेडी होके गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हुए थे, सारे भाई को ले लिया था हमने उसके घर से ही। पहले हम लोगों का प्लान था कि बच्चों को लेके प्लेलैंड जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर भूख लग गई रास्ते में ही सबको, बस फिर हम लोग यासिफ रोस्ट आ गए खाना खाने के लिए। बच्चों ने तो यहाँ पे भी अपनी एंटरटेनमेंट ढूंढ ली थी, साइड पे स्विंग्स लगे हुए थे वहाँ पे जाते थे बार बार, थोड़ी देर इंजॉय करते थे फिर वापस आते थे हमारे पास बैठ जाते थे। बस उतनी देर में खाना आ गया था, हमने खाना खाया सब ने, उसके बाद हम लोग घर वापस नहीं बल्कि हम लोग घर वापस नहीं, हम लोग एम्पोरियम के लिए निकल गए थे। बच्चों को वहाँ पे हम लोगों ने फन फैक्ट्री लेके जाना था, और एम्पोरियम जाके जो हालात हमने देखे, हमने तो फिर शुक्र अदा किया कि हम लोग बाहर से ही खाना खाए थे। पहले घर जाके हमारा डिसाइड यही था कि एम्पोरियम से ही खाना खा लेंगे, बच्चे अंदर इंजॉय करते रहेंगे अपना, साथ हम खाना खाते रहेंगे, बच्चों को भी फिर बाद में खिला देंगे। लेकिन बस रास्ते में ही थे तो भूख लग गई, सबको मूड चेंज हो गया कि बाहर से कुछ खा के चलते हैं। और ये देखें इतना रश था कि बाहर मेन गेट के बाहर इतना रश था, ज़्यादा ये नहीं फैमिलीज़ नहीं थी, ये लड़के बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और वो हर फैमिली को कहते थे कि हमें अंदर एंटर करवा दो एंटर करवा दो। मेरे हस्बैंड से कितने लड़कों ने कहा है कि हमें प्लीज़ एंटर करवा दें अंदर। बस जी मुश्किल से हम लोग अंदर एंटर हो ही गए थे क्योंकि रश बाय बहुत था, बहुत मुश्किल से अंदर जगह मिली थी हमें अंदर आने के लिए। मैं तो बस ये बार बार वीडियो ही बना रही थी और पिक्चर्स ले रही थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो किसी का प्लान हो एम्पोरियम जाने का तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना जाना, इतना रश है ना। हम लोगों ने तो शायद वापस ही आ जाते रश देख के, लेकिन बच्चों का मूड इतना रोए, वो लोग पहले ही रो रहे थे जब हम खाना खाने गए हैं कि आप लोग खाना खाने क्यों आ गए, हमने तो एम्पोरियम जाना था। है जी ये बच्चों को लेके अंदर फन फैक्ट्री एंटर करवाने लगे थे, और इनकी ये जो क्राइटेरिया होता है ना हाइट का, उस पर शहरी ज़रा थोड़ा छोटा था, और सबसे पहले ये अंदर गया, सबसे पहले इसने एंट्री में दी है और सबसे पहले अंदर भागता हुआ ये गया। हालाँकि इसकी हाइट का इशू आ रहा था, लेकिन बस फिर वो शहरी था, उसने कहा कि फिर सबसे पहले तो मैंने ही अंदर जाना है। बच्चों को यहाँ पे एंटर करवाया अंदर, तो फिर हम लोग का तो प्लान बन गया फिर के सारे बैठ के चाय या कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो आगे गए तो फिर भाई कहने लगा कि नहीं बच्चों को, ये छोटे वाले दोनों को भी तुम लोग फिर अंदर फन फैक्ट्री में ले जाओ, छोटे बच्चों के लिए भी बना हुआ था ना। तो बस फिर भाई ने कहा कि इनको भी तुम लोग ले जाओ, हम लोग मैंने कहा फिर ये लोग दोनों अकेले इंजॉय करेंगे, हम फिर बच्चों को लेके अंदर चली गई थी। अच्छा बना हुआ था काफ़ी, छोटे बच्चों के लिए भी ना काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने ना। ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी इनकी ना। ये मोमिन की अब हाइट चेक होने लगी है, मोमिन कितना इसकी हाइट का चेक कर रहे थे हम लोग। नहीं वैसे इनके जो जिसमें इन्होंने जाना था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो हम वो बड़े वाले सेक्शन वाले में खड़े हुए बच्चों की वैसे ही हाइट चेक करने लग गए थे। छोटे बच्चों के साथ दोनों के साथ हमने अंदर जाना था साथ ही, तो देखे मैं फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट की थी कि ये बहुत माशाल्लाह अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, काफ़ी बच्चों के लिए टॉयज बहुत ज़्यादा थे, भी अलग से बॉल्स वाला सेक्शन भी बनाया हुआ था इन्होंने,
ये मेरा बेटा जी डॉक्टर बन गया है। इसका मूड इतना ऑफ रहा है ना सारा टाइम, इसने इतना तंग किया था मुझे, बस रोता रहा था और बस तंग करता रहा, मैं गोद से उतरा ही नहीं। बस ये जो थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए उतरा है तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली थी, नहीं तो बस ये मेरी गोद पे ही रहा है। बस हम लोग फिर बस उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे सारे, तो बच्चों ने कहा फिर अब हमने आइसक्रीम खानी है, बच्चों को आइसक्रीम लेके दी सबको। बच्चों ने सबने अपने अपने लिए कॉर्नस ली थी, मैंने मैकफ्लरी ली थी, भाभी ने साथ संडे स्ट्रॉबेरी ले ली थी, बाकी भाई और हस्बैंड ने भी अपने लिए कॉर्नस ही ली थी। बस बच्चे पता है क्या कर रहे थे, बार बार बस कोई एक जाता था तो पानी लेके आ जाता था, फिर दूसरा जाता था दूसरा फिर उनसे पानी ले आता था, इतना चिल्ड वाटर था ना। लेकिन ये लोग बस, इनका बच्चों को क्या कहे बंदा, बस आइसक्रीम खानी है साथ हमने पानी पीना, आइसक्रीम खानी है साथ हमने पानी पीना, बस यही चलता रहा इन लोगों का। मोमिन बार बार कह रहा था कि मुझे भी आइसक्रीम दो ना अलग से, तो बस फिर शहरी ने उसके साथ अपनी आइसक्रीम शेयर की थी। उसके बाद बस फिर हम लोग उन घर के लिए निकल आए थे, रास्ते में भाई को ड्रॉप करना था तो भाई ने फिर अपने घर के लिए रोक लिया कि चाय पी के जाना, वहाँ भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय पी थी। बच्चों ने तो फिर आते साथ ही सारे भाई के बेटे के टॉयज निकाले और सारे इन दोनों ने बिखेर दिए। वो दोनों बच्चे सब बड़े हो गए हुए हैं उनके, तो बस फिर वो अपने टैप के साथ लगे हुए थे, ये दोनों ही सारे टॉयज बिखेर के लगे हुए थे घर में। बस जी ये डे एंड हो गया था, घर हम आए और बच्चों को सुलाया, बस डे एंड। नेक्स्ट डे फिर हमने नानों की तरफ जाना था, तो ये हम लोग नानों के घर के लिए तैयार होके निकल पड़े थे। मोमिन का मूड ऑफ था कल से ही, ना वो पिक्चर्स बनवा रहा था, बस ये थोड़ी देर नानों के घर जाके थोड़ा मूड अच्छा हुआ था, तो ये सिस्टर ने ही मेरी पिक्चर्स बना ली थी उसकी। मैं अपने इन लॉज के साथ गई हुई थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कोई भी वीडियो बनाने का या कोई पिक्चर्स बनाने का। बस फिर आपको पता है फिर गए हो सबके साथ तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, बंदा अपनी बिजी होता है सब कुछ। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आई होप अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।